अम्मा शक्की आशा चंद्र कुमार क्रमांक 903, दिन शुक्रवार, तारीख 5 अप्रैल 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एन के नैब साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स हैं, और आपका जो विषय है वो है संतुलित जीवन कैसे जिए, भाग 42। इससे पूरी भाग 41 ले चुके हैं, आप ज्यादा समय ले लेते हो। आदरणीय एन के आर्यन पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि 2 शब्द आदरणीय एन के नैब साहब के विषय में कहें, वो जो है 100 पार्ट्स करने की जो है पूरी प्रयास करेंगे। उनको मोटिवेट कीजिएगा ताकि 100 पार्ट्स पूरे हों, शतक लगाएं, मतलब जब तक शतक ना लगेगा तब तक आनंद नहीं आएगा ना, तो ये 7 तक लगना ही चाहिए आपको। चलिए आर्यन पांडे साहब, धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी, आपने मुझे सुखद आश्चर्य दे दिया इस समय किसी नेब साहब के वक्तव्य से पहले कुछ बोलने के बारे में। मैं तो बहुत ही जल्दी जल्दी में खुशी खुशी सुनने के लिए आया था नेब साहब। श्री आदरणीय नेब साहब के बारे में कुछ भी कहा जाए कम है। इनका व्यक्तित्व, जैसे आप खुद कहते हैं कि चेहरा हंसता हुआ आता है, उसी तरह का व्यक्तित्व भी है इनका। पहले जब ये श्रेणी श्रृंखला प्रारंभ हुई तो मेरा एक अनुमान था कि जैसे हम पुस्तकें पढ़ते हैं उसी तरह से कुछ थोड़े से विषय लेके, बिंदु लेके, और ये कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं सक्रियता कहूंगा, रचनाशीलता कहूंगा, या श्री नैब साहब का अनुभव कहूंगा, एक संवेदनशीलता इतनी ज्यादा है श्री नेव साहब में कि कुछ भी विषय को लेके, किसी घटना को लेके, किसी भी उदाहरण को लेके ये बार बार उस बात को कहते हैं कि हाँ भाई, हमें जीवन कैसा जीना चाहिए। तो जैसे आज श्री आदरणीय अरविंद शर्मा जी का कहना है कि आप जितना भी इसे कह सकें कहें। होता क्या है कि इस तरह के विषयों को जब हम सुनते हैं, बातें जानते हैं, लेकिन जब सुना जाता है तो और ग्राह्य होता है। तो मैं नेब साहब का बहुत, हम सब लोग आभारी हैं कि आप इस तरह की जागृति देने वाली, सकारात्मक, हमारे जीवन को संतुलित रखने वाली बातें सब कहते हैं। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री नेब साहब से कि वो अपना वक्तव्य आज का प्रारंभ करें और आगे भी इसी तरह से जहां तक संभव हो सके अच्छी अच्छी बातें हमें बताते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनिल शर्मा जी और आदरणीय आर्यन पांडे साहब, आपने मेरे बारे में बहुत सुंदर शब्द कहे। मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन प्रयास करूंगा कि उस लायक बनूं। आज के उद्बोधन का प्रारंभ माँ गायत्री के मंत्र से, एक तरह से उनका आह्वान, वो वाणी में शक्ति दे, ओज दे, ताकत दे, प्रभाव दे, ताकि मैं जो बोलूं वो आप लोग को प्रभावित कर सके। ओम भूर्भुवः स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मामले, जय जगदम्बे। जीवन में संतुलन कैसे बनाए? जीवन ईश्वर ने दिया है, और जब व्यक्ति संसार में आता है तो बिल्कुल साफ पानी, जैसे गिलास में क्रिस्टल वाटर रखा होता है ना, उस तरह होता है। उसमें किसी तरह का वैर, राग, द्वेष, भाव भाव कुछ नहीं होता। वो बस आया है इस संसार में, अब जो कुछ मिलना उसको इस संसार में आकर ही मिलना। शरीर में ताकत देगा, हमारे व्यक्तित्व में ताकत देगा, हमारे जीवन में ताकत देगा, हमको प्रभावशाली बनाएगा। यही अगर हम उसमें नेगेटिविटी भरेंगे, नकारात्मकता भरेंगे, कलह भरेंगे, राग भरेंगे, द्वेष भरेंगे, गंदला हो जाएगा पानी, गंदा पानी हो जाएगा। गंदा पानी का मतलब हम हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे, लगातार छल कपट, राग द्वेष, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, किसका किस तरीके से नुकसान पहुंचाए, किसको किस तरीके से, सिर्फ अपना काम बनाने के लिए कैसे चीजों को करें,
वही सब चलता रहेगा। एक बार इस तरह से गंदगी आ जाए मन में, आत्मा में, थॉट्स में, सोच में, विचार में, संस्कारों में, निकालना इस तरह की गंदगी को संभव तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता, समय लेता, और समय इसलिए लेता है कि उसको हमें लगातार पॉजिटिव थॉट से भरना है। हम नकारात्मकता भर रहे थे, हम लगातार पॉजिटिव थॉट्स भरते जाइए भरते जाइए, तक कि जब तक कि वो गंदगी उस जल की समाप्त ना हो जाए। हम खुद क्या ग्रहण करते हैं और आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जाना चाहते हैं, ये हमारे अपने व्यक्तित्व पे निर्भर करता है। इसमें मुझे एक बहुत एक घटना है, सच्ची घटना है, एक रेस की घटना है। एक इंडियन रनर था और साथ में उसके पीछे स्पेनिश रनर था, दौड़ चल रही थी, इंटरनेशनल लेवल की थी। केन्या का जो रनर था उसका नाम था मुताई। वो लगभग रेस में काफी आगे था और जीत चुका था, लेकिन आगे जाके वो कहीं कुछ कंफ्यूज हो गया। उसको लगा कि जो जहां पे रेस समाप्त होती है वो लाइन ये है, वहां पे जाके वो रुक गया। उसके पीछे की स्पेनिश इवान करके दूसरा उसका स्पेनिश का रनर था जो उसके पीछे दौड़ रहा था, वो पीछे से चिल्लाया अभी अभी लाइन समाप्त नहीं हुई है, तो आगे दौड़ो। लेकिन केन्यान उसकी स्पेनिश लैंग्वेज को नहीं समझता था, तो वो दौड़ता रहा उसके पीछे पीछे, और उसको कहता जब से नहीं सुना तो उसने उसको धक्का देके उस लाइन तक पहुंचाया जहां पर वो फिनिश होता था, ताकि वो उस पे गोल्ड ला सके। रेस समाप्त हो गई तो जाहिर है इन्ना जो जो रनर था वो प्रथम रहा, और स्पेनिश वाला इवान फर्नांडिस नाम था उसका, वो सेकंड रहा। उससे जर्नलिस्ट ने पूछा, जीत सकते थे, गोल्ड ला सकते थे, तुमने क्यों उसको आगे दौड़ा दिया? अगर वो अपनी बेवकूफी से कहीं खड़ा था, कोई टेक्निकल मिस्टेक कर रहा था, तुमने क्यों अपना गोल्ड गवा दिया? पहले तो स्पेनिश रनर ने कहा, इवान ने, फायदा होता, क्योंकि जीत तो मेरी थी नहीं, मैं तो जीता नहीं था, मैं तो सेकंड में था, जीता तो वही था। अगर किसी एक गलती की वजह से या थोड़ी सी इसकी कंफ्यूजन की वजह से वो उस वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, मेरी जीत थोड़ी हो जाती, और उस तरह के मेडल को लेके मुझे क्या मिलता, क्या विचार मेरे मन में आते, मैं कितने छल और कपट के साथ मेडल को जीता हूं, और मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोचती, इसने किस तरीके से धोखे के साथ या अपने साथी को दगा दे के उस मेडल को जीता है। जर्नलिस्ट से फिर पूछा, नहीं जीत सकते थे, तुमने क्यों नहीं जीता, तुम क्यों नहीं भागे, क्यों तुमने उसको पुश करके आगे बढ़ाया? उसने कहा, मैं एक ऐसे संसार की कल्पना करता हूँ जहां पर एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे बढ़े, माफ कीजिएगा थोड़ी सी खांसी का लग रहा है, एक दूसरे की मदद करने के लिए कम्युनिटी आगे बढ़े, लोग एक दूसरे की मदद करें आगे बढ़ाने में, धोखा करने में नहीं, पीछे छोड़ने के लिए नहीं, अगर कोई आगे बढ़ रहा है उसको और आगे बढ़ाए, एक दूसरे की मदद करने के लिए, और यही वैल्यूज यही एथिक्स हम आने वाली जनरेशन को देना चाहें। अगर मैं गलत तरीके से आगे बढ़ गया होता, उसके साथ गलती से मैं अपने धोखे से साथ या जो भी कह लीजिए टेक्निकली मैं जीत जाता, लेकिन असली जीत विजेता तो वही था, जीत जाता तो मैं आने वाली नस्लों को क्या देके जाता, मेरे नाम के साथ जिंदगी भर ये लगा रहता कि इसने उस आदमी के थोड़े से कंफ्यूजन का फायदा उठा के गोल्ड मेडल जीता, जिंदगी भर ये ब्लॉट मेरे साथ रहता, मैं उसके साथ नहीं जीना चाहता। जीवन में मूल्य एथिक्स हैं, जो हमारे जीवन मूल्य हैं, जो हमारे स्पिरिचुअली कह लीजिए आत्मा के जो मूल्य हैं, उन पर जब तक हम नहीं चलेंगे हमारा जीवन संतुलित हो ही नहीं सकता। नकारात्मकता भरते जाएंगे, सिर्फ जीतने की होड़ में, सिर्फ जीतने के लिए जीतेंगे, कभी हम नहीं जीत पाएंगे, हम हमेशा हारते रहेंगे। इसलिए जीवन मूल्यों को सर्वोपरि रखना। अगर कोई आपके साथ छल कपट कर रहा है,
लगातार कर रहा, आप समझ रहे हो कि आपके साथ धोखा दे रहा, छल कर रहा, कपट कर रहा, ये सब परिवार में भी होता है और बहुत सामान्य सी घटना है, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे इस मंच पे कई लोग अपने इस तरह के उद्गार अपने फैमिली के विषय में या अपने परिवार के विषय में या अपने दोस्तों के विषय में इसको कहीं ना कहीं किसी भावावेश में कह चुके हैं। सबके साथ होता है, बहुत कॉमन चीज है। विश्वास मानिए, आप ईश्वर पे श्रद्धा रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, वो छल कपट आपके साथ नहीं कर रहा, वो आपके साथ कोई धोखा नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने लिए कर्म कमा रहा है, वो अपने साथ छल कपट कर रहा है, वो अपने प्रारब्ध को खराब कर रहा है, वो अपने लिए ऐसे कर्म इकट्ठे कर रहा है, तो उसको उसके जीवन में परेशान करने वाले। आप सिर्फ निर्विकार भाव से देखते रहिए, ये भी मत कहिए उसके साथ बुरा हो, उसने मेरे साथ बुरा किया, या उसका ये हो जाए उसने मेरा बुरा किया, बिल्कुल नहीं कहना, ऐसा कहना ही नहीं। सिर्फ निर्विकार भाव से देखते जाइए चीजों को होते हुए कि क्या हो रहा, और आपको एक एक चीज सामने परिलक्षित होती जाएगी, क्लियर होती चली जाएगी, क्या चीज किस तरीके से सही हो रही है, क्या चीज किस तरीके से निर्धारित हो रही है, किसी का छल कपट किस तरीके से निपटाया जा रहा है। इसलिए कभी भी जीवन में आपके साथ छल कपट हो तो निराश मत होइएगा, आप सी चीजों को होते हुए देखिए और ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, उसके निर्णय में, उसकी न्याय में देर भी नहीं होती। मुझे तो लगता सब चीज समय से होती है, हर चीज अपने समय से होती है, क्या चीज कब होनी है, क्या चीज किस तरह से होनी है, किस समय होनी है, क्यों होनी है, आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूं, बैठा हूं इसका भी कारण है, आप लोग बैठे हुए मेरे को सुन रहे हैं इसका भी कारण है, ये वाज ऑलरेडी डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड, ये सब पहले से निश्चित था, ये होना ही था। इसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था सितंबर का था 11 में 2001 में अमेरिका में हुआ था 11 सितंबर, हाँ, उसमें जब पूछा गया कुछ लोगों से जो बच गए थे कि आप उस दिन कैसे बच गए, जब 4,000 के आस पास आदमी जो रहे उसमें ऑफिस में काम कर रहे थे उन सबकी मृत्यु हो गई, आप कैसे जीवित रह गए। उसमें एक ने कहा कि आज मेरे बेटे का पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, मुझे वहां जाना था, तो मैं वहां से जब लौटा तो मुझे ऑफिस आने में देर हो गई, इसलिए मैं बच गया। एक ने बताया कि उसके कार का टायर पंक्चर हो गया था, वो पंक्चर बनवा के जब पहुंचा है या पहिया बदल के स्टेपनी चेंज करके आया है उसमें उसको देर हो गई। एक लेडी ने बताया कि उसकी बस छूट गई थी, बस छूटी जब नेक्स्ट बस से आई और जो टाइम गैप था उसी में वो अटैक हो गया, उसमें वो बच गए। एक ने बताया कि उसके शूज जो थे नए वाले, वो शूज उसको काट रहे थे, उन्होंने नए शूज लिए थे काट रहे थे, तो वो बस स्टैंड से वापस गई और घर से दूसरे शूज पहन के आए। तो एवरीबॉडी हैड डिफरेंट स्टोरी टू टेल, बट सबके साथ कोई ना कोई रीजन था जिस वजह से वो उस टाइम उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में नहीं मौजूद थे। वहां वही लोग मौजूद थे जिनकी मृत्यु उस दिन निश्चित थी, उस दुर्घटना में मृत्यु होनी थी, और जिनको बचना था वो किसी ना किसी कारण से बचे हुए थे। इसलिए जब कभी भी आप कहीं किसी स्थान पर अटक जाए, आपकी बने स्थिति के लिए कह रहा हूं, ये बैलेंस ऑफ लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, कि भीड़ में अटक जाए, कहीं ट्रैफिक में अटक जाए या किसी वजह से अटक जाए, या आपको कहीं जाना, कोई अचानक आपके घर कोई गेस्ट आ जाए, आप समझ लीजिए कोई ना कोई ताकत है जो आपको अभी रोक रही है, कोई शक्ति है जो आपके समय को निर्धारित कर रही है कि आपको इस समय नहीं इस समय पहुंचना है, इसलिए उसको एकदम सामान्य भाव से जी। पहले मुझे भी बड़ा टेंशन हो जाता था, जल्दी से ट्रैफिक निकले, इस गाड़ी के आगे जाएं, जल्दी से उधर से ट्रैफिक क्रॉस करें वरना देर हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब जब कभी ऐसे अटक जाते जस्ट स्माइल, मुझे समझ में आता है कि ईश्वर चाहता है कि मैं अभी यहीं रुका रहूं, क्योंकि आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, जा ही नहीं सकता, अटक गए तो अटक गए, रेलवे का क्रॉसिंग बंद हो गई है तो बंद हो गई, आप क्या कर सकते हैं, डिले होना।
कभी मंदिर जाते वक्त बंद हो जाता है रेलवे क्रॉसिंग, पहुंचते तो पर्दा गिर गया होता, पट बंद हो गया, तो हो सकता है उसको ईश्वर ना दर्शन देना चाहे। कई बार ये होता है पहुंचते ही है बंद होने लगता है, हम सीधे पहुंच जाते हैं और प्रभु के दर्शन मिल जाते हैं। इस दिन क्या होना कैसे होना ये प्रभु द्वारा पूरा निश्चित है, वो आपके एक एक दिन का हिसाब किताब लिखा जाएगा। करने का प्रयास मत कर। आप भी इस जीवन में आए हैं उसमें आपका कोई हाथ नहीं, आप इतने बड़े हो गए अपने आप होते चले जा रहे हैं, इतनी उम्र तक निकल आए, इस एज तक आ गए, इसमें आपका क्या हाथ है, आपने क्या प्रयास किया। शरीर अपने आप ही बड़ा है, अपने आप ही जवान हुए, अपने आप ही धीरे धीरे क्षीण होते चले जा रहे हैं, और एक दिन आएगा जो समाप्त भी हो जाएगा, सब अपने जो सबको होना है, कोई किसी ने बचना नहीं, हर चीज उस ईश्वर के हाथ में है। परेशानी क्यों, क्यों परेशान, काहे की परेशानी दिमाग में, आप खुद सोचिए। अब हर चीज वो करने वाला है, तो जब आप कभी किसी सिद्धांत पे हो, अपने किसी कार्य पे हो, आपको लगे कि मैं ये कार्य कर रहा हूं ये बिल्कुल सही कार्य है, सिद्धांत के साथ है, और मैं जो कर रहा हूं सच्चाई के साथ है, तो फिर कभी किसी से डरिए भी नहीं, कभी किसी से डरिए नहीं, कभी किसी से झुकिए नहीं। तो उस ईश्वर ने जिसने इस पूरी दुनिया बनाई है, और उसने उसको भी बनाया जो आपको डरा रहा है, तो इसके लिए क्या चीज मुश्किल है, भरोसा रखिए ईश्वर पे। ये हम लोग हैं जो सोचते हैं कि सारा बोझ हमारे कंधों पे, हम जब तक नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, हम जब तक ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल विचार ना करें। इससे बड़ी अच्छी सी स्टोरी में पढ़ रहा था उस दिन, एक महिला रास्ते पे जा रही थी, तो उसने बड़ी सी घास की गट्ठर सर पे उठा रखा था, गांव के रोड के ऊपर जा रही थी, तो बगल से एक बैलगाड़ी निकली, तो बैलगाड़ी ने कहा कि माई कहाँ जा रही हो, अगले गांव में जाना है, तो उसने कहा इतना बोझा उठाए जा रही हूँ, पैदल जा रही हूँ, धूप बहुत है, आइए आप बैलगाड़ी पे बैठ जाइए। माता जी उस बैलगाड़ी पे बैठ गई, लेकिन बैठने के बाद भी उन्होंने अपने सिर से वो बोझा जो था वो नहीं उठाया, वो सिर के ऊपर ही रखा रहा, तो उन्होंने कहा माता जी इसका बोझा को उठा के बैलगाड़ी पे रख दीजिए, तो आप आराम से बैठ के कुछ सुकून ले। कहते नहीं बेटा, पहले ही बैलगाड़ी पे इतना बोझा था, फिर हम भी बैठ गए, फिर कठरी भी हम इसके ऊपर रख दें, इसको सिर पे रहने। यही हाल है हम लोगों का भी, हम लोग स्वयं इस जीवन में, इस संसार में ईश्वर के हाथों में है, ईश्वर की कृपा है पे है, वही हमारी देख रेख कर रहा, हमारे पल पल का निर्धारण वो कर रहा है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम अपना बोझा स्वयं उठा रहे हैं। उस अहम में, उस मैं में अपने बोझे को अपने कंधों से हटा नहीं रहे, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं कर रहे। उस माता जी की तरीके अपनी गठरी अपने सिर पर रखे सोच रहे कि हमने बोझा हल्का कर दिया, ये जो मैं कर रहा हूं मेरे द्वारा किया जा रहा है, मेरे द्वारा नहीं किया गया तो नहीं होगा, ये चीजें दिमाग में बहुत असंतुलन पैदा करती। मैं ना होता तो क्या होता, मैं ऐसा ना करता तो क्या होता। पुरुषार्थ करिए, पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ के बिना जीवन ही नहीं है, उसको तो आपके लिए बनाया गया, एक एक पल आपको कार्य करते रहना, चलते रहना, लेकिन मेरे बिना ये काम नहीं हो सकता था, या मैं ना होता तो क्या होता, इसमें तो बड़ी बड़ी कहानियां हैं, बड़ी बड़ी स्टोरीज है। रामायण में है, जब अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रावण माता मंदोत्री के साथ आए सीता जी से मिलने, हनुमान जी छुप गए एक पेड़ के पीछे, देखते रहे क्या हो रहा। रावण आए बड़े क्रोध में थे, आते ही उन्होंने अपनी तलवार निकाली कि आज तो मैं सीता का वध ही कर दूंगा। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, उनकी इच्छा ही वो निकले जाके उस तलवार को पकड़ ले, लेकिन तब तक उन्होंने देखा कि माता मंदोत्री ने रावण का हाथ पकड़ लिया और कहा, उनको समझाने लगी कि नहीं ये हम आपको नहीं करना है, इतना क्रोध अच्छा नहीं। तब हनुमान जी सोचने लगे कि बताइए
मैं सोच रहा था इस अभी रावण को तलवार मैं पकड़ के उसका वध कर दूंगा, जो भी उनके दिमाग में आया हो, लेकिन प्रभु ने ये काम मेरे से नहीं करवाना था, ये काम भी उन्होंने मंदोदरी जी से करवाना था। तो मैं कौन होता हूं करने वाला, हर काम किसी ना किसी के निमित्त है। उन्होंने देखा कि वहां त्रिजटा, हाँ त्रिजटा जो उनकी सेवा के लिए निर्धारित थी सीता मां जी के, तो वो कहने लगी सीता जी को कि मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा, लंका में एक बंदर आया, उसकी पूंछ में आग लगी हुई, और बाद में वही हनुमान जी की पूंछ में रावण ने आग लगवा दी, कपड़ा बांध के, और वो पूरी लंका जला दी। मतलब हनुमान जी सोचने लगे सारी चीजें ईश्वर ने पहले से निर्धारित कर रखी है, ये मैं वाली मैं करूंगा, मैंने किया या मैं कर सकता हूं, ये मैं कुछ भी नहीं है। वही जो मैं पहले भी कह चुका हूं, जो बर्बरिक वाली बात, जिस वक्त उससे पूछा गया महाभारत का जब समाप्त हो गया युद्ध, कि तुमने क्या देखा युद्ध में, सबसे अच्छा कौन लड़ा, अर्जुन थोड़े से उसमें अहम भाव में थे, उन्होंने सोचा कि कहेगा कि मैंने सबसे अच्छा युद्ध लड़ा, उनका मुझे तो पता नहीं, मुझे तो सब खेल खिलौने लगे, सब खेल रहे थे, ऊपर तो खाली एक भगवान कृष्ण का जो था दर्शन चक्र चल रहा था, वही सब काम कर रहा था। तो करने वाला तो ईश्वर ऐसा, जब उसके हाथ में सब कुछ है तो काहे का तनाव लेना, तो तनाव ले, चीजों को निर्विकार भाव से करते रहे, एक निश्चित बना के बना स्थिति को, और पॉजिटिव चीजें करें, सकारात्मक चीजें करें। सकारात्मक कैसे आ सकती है हमारे जीवन में, किसी का बुरा सोचे नहीं, कोशिश करें जिसका जितना भला हो सके, और जब एक बार हम पॉजिटिव चीजें सोचने लगेंगे ना, हमारे पूरे जीवन का शास्त्र, जीवन का हमारे व्यक्तित्व का वास्तु शास्त्र ही बिल्कुल सही होने लगे, हमें किसी वास्तु शास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसपे एक कहानी आप लोगों ने भी सुनी होगी, लेकिन अब चूंकि वास्तु शास्त्र की बात आ गई तो मैं सुनाना चाहूंगा। एक आदमी रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद उसने अच्छा सा मकान लिया 400-500 गज का, जिसमें 150-200 गज में मकान बीच में बना हुआ था डुप्लेक्स टाइप का, और पीछे उसके बगीचा था, उसमें आम का पेड़ था, 2-3 और अच्छे से लगे हुए थे फलों के। बड़ा प्रसन्न था, अपनी पत्नी के साथ आनंद से रह रहा था, रिटायर्ड लाइफ रह रहा था। तो लोग उसके मित्रगण आते जा कहते, आपने मकान तो ले लिया, लेकिन आपको एक बार किसी वास्तु शास्त्री को दिखा देना चाहिए कि मकान में कोई वास्तु दोष तो नहीं है। ठीक है, वो गए एक वास्तु शास्त्री से मिले, और उसे समय तय हुआ, उस दिन उनको लेने पहुंचे। लेके जब आ रहे थे तो रास्ते में जब वो गाड़ी अपनी कार चला रहे थे, साथ में वास्तु शास्त्री बैठे हुए, तो जैसे पीछे से कोई तेज गति में वाहन आता था तो वो उसको रास्ता दे देते। तो वास्तु शास्त्री ने उनसे पूछा कि आप हर गाड़ी को आगे जाने का रास्ता दे देते हो, आप क्यों नहीं आगे बढ़ते हो, आप क्यों नहीं आगे सबको हटा के चलते हो। उसका देखिए, मुझे आपको लेके अपने घर पहुंचना है, और मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं 15 मिनट बाद भी पहुंच सकता हूँ, 10 मिनट बाद भी पहुंच सकता हूँ। हो सकता है जो पीछे से हॉर्न बजा के तेजी से निकलना चाहता हो उसकी कोई आवश्यकता हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, दूसरी इमरजेंसी हो सकती, उसको अगर आगे जाना उसको निकलने दी, मैं हम लोग आराम से पहुंच रहे। वास्तु शास्त्री चुप हो गए। उसके बाद फिर थोड़ा आगे बढ़े हैं, जब अपने घर की तरफ पहुंचे हैं तो गली में सामने से एक बच्चा भागता हुआ, तो उन्होंने ब्रेक लगा ली। ब्रेक लगाने के बाद वो 2 मिनट के लिए वही गाड़ी रोक के खड़े हो गए। तो वास्तु शास्त्री ने पूछा कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं, वो कहते आप देखिएगा, अभी देखता था, देखा दूसरा बच्चा भी भागता उधर से निकला। उन्होंने कहा आपको पता था कि दूसरा बच्चा भी भागेगा? उन्होंने कहा सर आप अपना बचपन भूल गए, अगर कोई एक बच्चा भागता हुआ जा रहा है तो इसमें जरूर उसका कोई दोस्त उसको दौड़ा रहा होगा, पीछे से पीछे कोई ना कोई पीछा कर रहा होगा किसी ना किसी बात पे, तो मुझे उस दूसरे का इंतजार था, अगर मैं चल देता तो ऐसा ना होता, वो टकरा जाता। चलते चलते सर फिर वो आगे पहुंचे घर के पास, जैसे ही पहुंचे तो उनको पीछे बाग से बगीचे से कुछ सरसराहट की आवाजें आई, जैसे बच्चे वहां पे
उछल कूद रहे हैं, वो चुपचाप वहां का आप शांत रहिए, गाड़ी का उन्होंने इंजन भी बंद कर दिया, हॉर्न भी नहीं बजाया। उनका क्या हो गया? उन्होंने कहा सब पीछे मोहल्ले के बच्चे हैं, आम का पेड़ लगा हुआ, आम का मौसम, आम तोड़ रहे होंगे, तोड़ लेने दीजिए बच्चे, अपना खेल कूद रहे हैं, मैंने अगर हॉर्न बजा दिया सब भागेंगे और भागने में एकदम किसको चोट वोट लगी बच्चे को, अननेसेसरी वो परेशानी उनके लिए हो जाएगी। तो वास्तु शास्त्री ने कहा सब आपका जीवन इतना ज्यादा सकारात्मक है कि आप दूसरों की परेशानियों को सामने रखकर अपना जीवन चला रहे हो, सबकी मदद करना चाहते हो, सबका अच्छा बड़ा सोचते हो, आपको तो किसी वास्तु शास्त्री की आवश्यकता कहाँ? इतने पॉजिटिव थॉट्स, इतने पॉजिटिव माइंड वाले आदमी को किसी वास्तु शास्त्री की आवश्यकता नहीं है। आपका घर जितना पवित्र है उतना ही पवित्र आपकी आत्मा है, और आपकी आत्मा और आपके मन और व्यक्ति की वजह से आपके घर भी पवित्र है, उसमें कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। अगर होगा भी आपकी प्रेजेंस से, आपकी उपस्थिति से, आपके विचारों से आपके घर का वास्तु दोष समाप्त हो गया, आप आराम से इस घर में रहिए, कहीं कोई वास्तु दोष नहीं। जब हमारी सोच अच्छी होती है, हमारे थॉट्स अच्छे होते हैं, हमारे विचार अच्छे होते हैं, हमारे सभी तरह के दोष समाप्त हो जाते हैं, मन के, मस्तिष्क के, शरीर के बीमारियां तक दूर हो जाती जब हमारी सोच अच्छी होने लगे। बड़ी बड़ी बीमारियां, सारी बीमारियां देखिए दिमाग के पीछे बैठी हुई। एक बड़ा अच्छा लेक्चर सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि साहब कहते हैं कि मिठाई नहीं खानी चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे डायबिटीज हो जाती है। उनका नहीं, डायबिटीज कभी भी मीठा खाने से नहीं होती है, डायबिटीज स्ट्रेस से होती है। जब डायबिटीज हो जाती है उसके बाद आपको मीठा नहीं खाना, क्योंकि इंसुलिन नहीं बनती। तो कोशिश करिए स्ट्रेस फ्री लाइफ रहे, स्ट्रेस फ्री जीवन में स्ट्रेस लाना ही नहीं। जब स्ट्रेस नहीं रहेगा तो बीमारियां नहीं रहेंगी। किस तरह की आप स्ट्रेस कब आता है? जब आप अपने लिए किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए दूसरे का नुकसान करने की कोशिश कर, गिल्ट माइंड कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है। अगर आप सीधे तरीके से पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ चलते हुए, सभी तरह एथिक्स को फॉलो करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपको स्ट्रेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया। और एक बार जब आपको विश्वास हो जाता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, आपकी आत्मा आपके साथ रहती है, आपका विश्वास आपके साथ रहता है। आपकी आत्मा तभी आपको कचोटती है जब आप किसी दूसरे के कंधे पे या दूसरे की आशाओं को चाहिए खराब करते हुए, आशाओं को तोड़ते हुए अपना काम बनाना चाहते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। जब आपका छल कपट, जब चीजों को प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह का रास्ता हो, कहते हैं बाई हुक और बाई क्रुक, उस पर चलना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर आपके जीवन में तरह की तरह के, हो सकता है कि आपको सब पैसा आ जाए, बड़ी जगह मिल जाए, मकान थोड़ा बड़ा मिल जाए, लेकिन उससे साथ जो बीमारियां लेके आएगा सर, वो फिर जिंदगी भर साथ चलती है। मुझे एक बहुत पुरानी मूवी थी, उसमें राज बब्बर एक्टिंग कर रहा था, मुझे पिक्चर का नाम याद नहीं है। तो उसकी मदर उससे कहती है, बेटा तुमने बहुत धन कमा लिया, तुम बहुत बड़े अफसर हो गए हो, सब भाइयों में या पूरे रिश्तेदार में सबसे ज्यादा धन दौलत तुम्हारे पास है। वो तो कहता है बीमारियां भी तो उसी हिसाब से मेरे साथ हैं। तो जब गलत तरीके से या कुछ दूसरे की आशाओं पर तुषारापात करते हुए हम चीजों को पाने का प्रयास करते हैं, तो वो हमको स्ट्रेस देता है। कोशिश करें किसी का नुकसान न करें, क्योंकि अगर आप किसी को रुलाकर, किसी को दुखी करके, किसी को परेशान करके, किसी की आंखों में आंसू लाकर हवन भी करते हैं ना ईश्वर का, तो वो भी व्यर्थ है। लेकिन अगर आप किसी के जीवन में प्रसन्नता ला, किसी की मदद करके, किसी को आगे बढ़ा के,
अगर अगर बत्ती जलाते हैं ना अपने घर में, तो उससे बड़ी पूजा सर कोई नहीं है। आपको ना किसी हवन की आवश्यकता है, ना किसी मनन की आवश्यकता है, ना मेडिटेशन की आवश्यकता है। सबसे बड़ा मेडिटेशन, सबसे बड़ा हवन और सबसे बड़ी पूजा यही इंसानियत की पूजा, मानव मात्र की पूजा, मानव मात्र की मदद, हेल्प करना। कोशिश कीजिए, बाकी तो देखिए सब जीवन में बैलेंस बनाना ना बनाना ये सब अपने हाथ पे है। जीवन के लिए कहा जाता है कि आपको हाउ टू बैलेंस वाली बात जैसे कहते हैं ना, आपको कहाँ पे कैसे फोकस करना है यू हैव टू डिसाइड। कुछ लोग क्या करते हैं, घर में ऑफिस के काम और ऑफिस में घर के काम, जब में इतना उलझे रहते हैं कि वो फोकस हो ही नहीं पाता। वो कंपनी के मिस्टर डायसन थे शायद, सीईओ थे, तो उन्होंने अपने 30 सेकंड का लेक्चर है उनका, यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें उन्होंने कहा कि जिस वक्त मैं ऑफिस में जाता हूं फिर दिन भर मैं कठोर परिश्रम करता हूं, क्योंकि वो समय मेरे दफ्तर का होता है, वो समय मैं पूरे दफ्तर को देता हूं, उस समय मैं और कोई काम नहीं करता, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरी भावना के साथ, पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ सिर्फ कंपनी के लिए काम करता हूं। लेकिन जहां मेरा 6 बजते हैं या जो भी उनका समय हो शाम का, मैं उस टाइम वहां से उठ जाता हूं दफ्तर से, और उसके बाद का समय मैं अपने परिवार को देता हूं कि वो समय मेरे परिवार का है। We have to make some rules in life. हमको कहां कितना समय देना, कैसे देना। कहते फिर मेरा समय मेरे परिवार के लिए होता है और उस वक्त मैं पूरा समय अपने परिवार को देता हूं। पर आपने देखा होगा कि हमको कहां क्या प्रायोरिटीज देनी है। जोकर्स को देखा होगा सर्कस में बॉल्स को जगलिंग करते हुए, एक बॉल, दो बॉल, तीन बॉल, चार बॉल, पांच बॉल। कहा जाता है कि अपनी लाइफ में भी हम लोग वी आर प्लेइंग विथ 5 बॉल्स एट ए टाइम, जिसमें एक बॉल जो है वो हमारा वर्क है, जो प्रोफेशन है जिसे कहा जाए, दूसरी बॉल हमारी फैमिली है, तीसरी बॉल हमारे फ्रेंड्स हैं, चौथी बॉल हमारी हेल्थ है, और पांचवी बॉल हमारी आत्मा है, हमारी स्पिरिट है, अंतरात्मा जिसे कहा जाता है, जिसको क्लीन रखना, जिसको सेटिस्फाई रखना, जिसको दोष रहित रखना हमारा सबसे बड़ा काम, वरना स्ट्रेसेस आएंगे, बीमारियां आएंगी। इन पांचों बालों को हमें इन्हीं दो हाथों से उछाल के एक बैलेंस करना है, दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ लाइफ। ये कहते हैं इन 5 बॉलों में वर्क वाली बॉल है, प्रोफेशन वाली बॉल है, वो रबड़ की बनी, बाकी सब कांच की बनी। तो जिस वक्त हम जगलिंग करें, अगर वर्क वाली बॉल गिर जाए तो वो उछल के दोबारा हमको मिलेगी और उसी शेप में मिल जाएगी, उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर एक नौकरी छूटेगी तो दूसरी नौकरी कहीं ना कहीं मिल जाएगी, अगर हमारे में काबिलियत है। जो वर्किंग आदमी होता है, जिसमें काबिलियत है, जिसमें अपनी एफिशिएंसी है, वो आप समझ लीजिए एक बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है, हर 3 मिनट पे कोई ना कोई बस आएगी, वो किसी ना किसी बस में बैठने की उसको जगह होगी, वो बैठ के चला जाएगा, इसलिए उसके विषय में चिंता ना करें। लेकिन बाकी जो 4 बॉल है, जिसमें हेल्थ है, फैमिली है, फ्रेंड है और आत्मा स्पिरिट, इनमें से ये 4 बॉल कांच की बनी हुई है, इनमें से कोई भी बॉल अगर हाथ से छूटी बैलेंस करने में, तो उसमें कुछ ना कुछ नुकसान अवश्य होगा। अगर वो गिर गई जमीन पे तो या डीशेप हो जाएगी, या क्रैक्स आ जाएंगे, या टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए भाई बैलेंसिंग योर लाइफ, भाई बैलेंसिंग योर एंटायर लाइफ, अपनी फैमिली के बैलेंस वगैरह, उसमें आप थोड़ा ध्यान देना है। देयर वी हैव टू बैलेंस। वो 4 बॉलें कहीं हाथ से ना छूट जाए जगलिंग में, उसके लिए हमें जीवन भर कुछ ना कुछ करते रहे। बाकी देखिए एक जीवन चक्र है, हम लोग जीवन भर कुछ ना कुछ जुटाते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, और अंत में जाके पता लगता है कि हम इसका उपभोग ही नहीं कर सकते, पूरी जिंदगी लगा देते हैं इसको इकट्ठे करने की।
अगर जीवन चक्र को समझा जाए तो आजकल बड़ा कॉमन बात चल रही है साहब, 1 से 10 साल की एज तक पूछा जाता है साहब आपकी एज क्या है, बच्चे से पूछा जाता है। 10 से 20 साल का बच्चा होता जाता है तो उसको पूछते हैं तुम्हारे मार्क्स कितने आए क्लास में। 20 से 30 साल में पूछा जाता है कि तुम्हारी सैलरी कितनी है। 30 से 40 की एज में पूछा जाता है तुम्हारे किड्स कितने हैं। 40 से 50 की एज में उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी हेल्थ कैसी है, तुमने कितना धन जमा कर लिया, नौकरी से कितना बचा लिया। 50 से 60 की एज में पूछा जाता है तुम्हारा बीपी तो नहीं हो गया, शुगर तो नहीं हो गई, ये पूछा जाता है। और 60 से 70 की एज में पूछा जाता है तुम्हारी पेंशन कितनी। और 70 से ऊपर पूछा जाता है अब कब तक चल पाओगे। ये बड़ी कॉमन सी चीज है। हालांकि आजकल जो लॉन्गेविटी हो गई है लाइफ की उसमें भी मैं अभी बताता हूं आपको, ये कॉमन चीजें हैं, हर आदमी के साथ है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। देखिए चीजें हमको एलिमिनेट करती हैं, कैसे करती है, एट द एज ऑफ 60। पांडे जी भी रिटायर हुए हैं, मैं भी रिटायर हुआ हूं, और लोग भी रिटायर हुए 60 की एज में। आपका प्रोफेशन, आपकी जॉब आपको एलिमिनेट कर देती है ऑफिस से। वन फाइन मॉर्निंग यू हैव टू रेस्ट एट होम। 31 दिसंबर, 31 मई या जो भी डेट रही हो, तो आप घर पे बैठिए, यू हैव बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम योर ऑफिस। नाउ इफ यू आर लिविंग विद दैट थॉट प्रोसेस कि अरे ये दफ्तर में हमने ये कमाल कर दिया, हम इतने बड़े अफसर थे, मेरा ये चा मेरे थोड़ा था, गाड़ी थी, नौकर थे, चाकर थे, चपरासी, एक घंटी पे पानी ले आता था, चाय ले आता था, तुम सुनती नहीं हो, तो साहब फिर आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू रियलाइज दैट यू हैव बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट प्लेस। नाउ यू हैव टू मेक पीस विद द थिंग्स व्हाट आर अवेलेबल। यहाँ पे आपके अपनी मना स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, आप कैसे इन चीजों के साथ बैलेंस करते हैं। और ये आपको मैं तो कहता हूं, ये 60 पे जब एलिमिनेशन के 10 साल पहले से आदमी को अपने रिटायरमेंट के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। 50 की एज से उसकी थॉट प्रोसेस ऐसी हो जानी चाहिए कि वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी एंड वी हैव टू गो बैक इन टू दैट सोसाइटी ओनली। इसलिए अफसरी अफसरी कुछ नहीं चलनी, वंस वी रिटायर वी हैव टू बी ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी। 60 से 70 की एज में जो होता है ना, उसमें आप कभी अपने दफ्तर में चले जाते हैं, आपको अपने पुराने साथी मिल जाते हैं, आपके साथ बातचीत हो जाती है, इंटरेक्शन हो जाता है, रिकग्नाइज यू, वो पहचानते हैं, आपकी इज्जत भी कर देंगे, आपके साथ बैठ के चाय पानी भी हो जाएगी। नाउ फ्रॉम 70 to 80 यू आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द ऑफिस ऑल्सो। एक वो एलिमिनेशन है ना जो सोसाइटी धीरे धीरे आपको एलिमिनेट करना शुरू कर देती है। अब आपके ऑफिस में ही जहां आप जाते थे वहां यंगर जनरेशन आ चुकी है, और वो यंगर जनरेशन, कुछ लोग ट्रांसफर हो गया, कुछ हो गया, तो दे जस्ट डोंट रिकॉग्नाइज यू। और अगर आप उनको कि मैं यहां पर था, मैंने ये कमाल कर दिया, मैंने वो कमाल कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, तो दे विल जस्ट लाफ एट यू, क्योंकि पिछले 10 सालों में, आप 70 के हो गए, 70 और 80 के बीच में 10-15 सालों में चीजें बहुत बदल जाती, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तब्दीली आ जाती, एटमॉस्फेयर में बहुत तब्दीली आ जाती, वर्किंग कल्चर में बहुत तब्दीली आ जाती, स्टाफ में तो तब्दीली आ ही जाती। देयर वी हैव टू मेक बैलेंस विद दैट एलिमिनेशन इन द सोसाइटी। अब 70 बार का जो 80 to 90 वाला है, देखिए मैं थोड़ी सी कठोर बातें आज पता नहीं क्यों दिमाग में आ गया, आई हैड नॉट थॉट कि मैं ये बोलूंगा, बट शुरुआत कुछ ऐसी हो गई। 80 to 90 की एज पे आते आते सर यू आर बीइंग एलिमिनेटेड फ्रॉम योर फैमिली स्फीयर। फैमिली वाले भी अब आपको उतना समय नहीं दे पाते। नाउ यू शुड स्टार्ट लर्निंग लिविंग विद योर सेल्फ और योर स्पाउस इफ शी इज देयर, शी और ही इज देयर। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू स्पेंड विद देम, विद योर स्पाउस और विद योर सेल्फ, क्योंकि बच्चे
और बच्चों के बच्चे मतलब चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑल आर ग्रोन अप बाय दिस टाइम दे हैव गॉट देयर ओन लाइव्स इन द न्यू एटमॉस्फेयर इन द न्यू वर्क प्लेसेस इन द न्यू कल्चर जिसके साथ आपको सामंजस्य बैठाना है वो अब आपके साथ सामंजस्य नहीं बैठाएंगे एंड यू हैव टू एक्सेप्ट सो मेनी थिंग्स आप ये नहीं कह सकते सर हमारे टाइम में तो ऐसा होता था हमारे टाइम अगर आपने ये कहना शुरू कर दिया तो यू विल बी डिस्कार्डेड एज ओल्डीज ये तो मेरी बात नहीं समझते जीवन के मूल्यों को आपको उन्हें समझाना कि जीवन के मूल्य ये हैं लेकिन अपने आप को थोपना नहीं जैसे पिछले एक पूछा भी गया था किसी क्वेश्चन किया था तो ये बताया गया यू कैन बी ए मेंटर यू कैन बी ए गाइड लेकिन आपको उस वक्त कितने लोग कंसल्ट करते हैं फैमिली में दैट इज द क्वेश्चन 80 टू 90 की एज में यू आर बीइंग स्लोली एलिमिनेटेड फ्रॉम द फैमिली अफेयर्स आल्सो यू आर कन्फाइंड टू ए प्लेस कन्फाइंड टू योर सेल्फ उसका इलाज भी अभी मैं बताता हूँ सर कैसे कर सकते अभी टाइम है अगर 10 मिनट सब जब 90 एंड अबव में द नेचर स्टार्ट्स एलिमिनेटिंग यू द अर्थ स्टार्ट्स एलिमिनेटिंग यू ये पृथ्वी चाहती है कि धीरे 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 करते हुए आप उस रास्ते पे जाएं जहां आपके अग्रज लोग जा चुके हैं आपके पहले के लोग जा चुके दिस इज ए प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इन द एंटायर व्हिच वी हैव टू एक्सेप्ट अब मैंने एक शुरू में कहा कि लॉन्गेविटी काफी बढ़ गई है लॉन्गेविटी के साथ आपने देखो गुड हेल्थ इवन एट द एज ऑफ 70 80 एट मैन आई एम एट द एज ऑफ 60 आई एम प्लेइंग लॉन टेनिस इन द मॉर्निंग और अच्छा खेलता हूँ पूरी जिजीविषा के साथ पूरी ताकत के साथ खेलता हूँ और बड़े स्टेमिना के साथ खेलता हूँ एक सेट खेल लिया दो सेट खेल लिया तीन सेट पते के लिए बुलाया उसके लिए भी चलता हूँ चलो ऐसा भी खेल लेते हैं हाउ टू कोप अप विद ऑल दीज थिंग्स इसके लिए तीन चीजें हैं We have to remain happy with yourself. Be content. संतुष्ट रहिए आप खुद से प्यार करना सीखिए अपने शरीर से प्यार करना सीखिए अपने हेल्थ से प्यार करना सीखिए सर क्योंकि अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई तो आपके लिए आप स्वयं ही एक बोझ हो जाएंगे परिवार और समाज के लिए तो होंगे होंगे क्योंकि आपको साफ सफाई के लिए सर बहुत मुश्किल हो जाता है बड़ा मुश्किल होता है इसलिए आपको स्वयं से प्यार करना सीखना होगा यू हैव टू लर्न हाउ टू लिव हाउ टू लव योरसेल्फ जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे आप अपनी केयर नहीं करेंगे और एक बार आपने खुद से प्रेम करना शुरू कर दिया आप अपनी केयर करनी शुरू कर दोगे जब केयर करनी शुरू करोगे तो सर हर लेवल पे आपकी यहाँ चीजें साफ सुथरी सीधे सीधे होती चली जाएंगी दूसरा है सर बी कंटेंट तो कुछ भी है अब तक जो कुछ हुआ सो होना था सो हो गया वॉट एवर हैज बीन डन कैन नॉट बी अनडन उसको कोई भी अंडू नहीं कर सकता जिसको जो कहना था आपने कह लिया अगर आपको अब भी दिल का छोड़ता जाके माफी मांगा और किसी ने आपसे कुछ कह दिया वो आए ना आए माफी मांगने आप उसको मन से हृदय से माफ करके झंझट खत्म एक वो अननेसेसरी का जो अटैचमेंट है उसको खत्म करिए नकारात्मक अटैचमेंट जो होता है ना सर अटैच यू आर अटैच नेगेटिवली उसको समाप्त करिए और बी कंटेंट विद व्हाट एवर यू हैव गॉट अच्छा है टू बेड का है आपका वन बेडरूम का सेट है थ्री बेडरूम का है फोर बेडरूम फाइव बेडरूम बंगला है घर है डुप्लेक्स है जो भी है जो भी आपको खाना पीना है सर जो भी मिल रहा है जो विद इन योर लिमिट्स विद योर पेंशन से मिल रहा है या आपके प्रोफेशन से जो मिल रहा है बी कंटेंट एंड बी हैप्पी विद दैट थिंग इसी सर जब आप खुद से प्यार करेंगे अपने शरीर से प्यार करेंगे तो सर आप एक्सरसाइज भी करेंगे एक डॉक्टर का इंटरव्यू देख रहा था सर उसने कहा कि मेरे 12 पेशेंट्स ऐसे हैं जो 100 की एज के ऊपर हैं और उन्होंने पूरी लिस्ट बना रखी उन लोगों की और वो उनके पास हर 2 महीने 3 महीने में आते हैं कहते जब वो आते हैं तो वी डोंट टॉक अबाउट देयर हेल्थ इतना पूछते हैं भाई बीपीपी कहते तो बिल्कुल सही है इसमें पेन वेन तो नहीं तो चैट करते बैठते हैं बस से बोलते हैं कहते एक 90 इयर्स की लेडी आई एम टॉकिंग अबाउट इन इंडिया मैं इंडिया के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं अपने ही देश के डॉक्टर की बात कर रहा हूं आउटसाइड के थे कहते 90 ईयर की लेडी
शी इज लिविंग ऑल अलोन विदाउट एनी स्टिक विद फुल अलर्ट माइंड एंड गोइंग टू जिम डेली टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ कुकिंग फूड फॉर हरसेल्फ एंड कंप्लीटली सेटिस्फाइड वेरी हैप्पी एंजॉइंग लाइफ वी हैव टू एंजॉय सर. भगवान ने सांसें दी हैं, भगवान ने जिंदगी दी है और हमको इसको खुशी प्रसाद है ईश्वर का सर, भगवान का प्रसाद है ये, एक एक सांस भगवान का प्रसाद है और हमको उसको उसी तरीके ग्रहण करना चाहिए. हंसी खुशी के साथ जीवन को मस्ती के साथ जीना, मतलब जितने 10-12 लोग कोई स्ट्रिक्ट के साथ नहीं है. Everybody is going for a walk, morning walk के लिए जाते हैं, evening walk के लिए जाते हैं, nature के साथ घूम रहे हैं. 82-85 बहुत common लोग हैं. With my tennis court club, I've got people around 87-88 के जो हैं आते हैं daily खेलने या ना खेले. And 70+ के तो कितने सर, we are playing together, पूछते हैं एक एक point के लिए सर, आते हैं, दौड़ते हैं. तो भगवान ने सर ये जीवन दिया है. अब 7 जन्म, अगला जन्म मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाता, दैट इज ए माइथोलॉजी. अगला जन्म होता है, मेरे को उस पर पूरा विश्वास है सर. लेकिन इस जन्म में जो हमको सांसें दी हैं इसको अच्छे से निभाइए. 7 जन्मों के रिश्ते किसी ने नहीं देखे और 7 जन्म तक निभाने की जो बातें करते हैं ना सर, एक जन्म निभाना मुश्किल पड़ जाता है. किसने देखा रिश्ते निभाते हैं कि एक जन्म इकट्ठे जा रहे हैं, इकट्ठे मृत्यु हो रही, कभी नहीं होता ना, एक को छोड़ के जाता है. वन हैज टू लिव अलोन, ऋषि साहब से पूछ लीजिए. लेकिन जब तक हमारा साथ है इस जीवन में, जब तक हम साथ रह रहे हैं, उसमें हम लोग रिश्तों को अच्छे से निभाएं, बहुत अच्छे से निभाएं, एक दूसरे की जितनी मदद कर सके, एक एक पल को जिए. जिंदगी मिली है सर, जीना है. लड़ाई झगड़ों में, एक दूसरे की बुराई करने में, एक दूसरे के बारे में कटु शब्द बोलने में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा सर. आप ईगो अपनी कर लीजिए, आप आर्ग्यूमेंट्स कर लीजिए, खूब आर्ग्यूमेंट्स करिए, लेकिन उसका अंत क्या होगा? आर्ग्यूमेंट से आखिरी में क्या मिलेगा? What will you get? बड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, मैंने आर्ग्यूमेंट जीत लिया, उसके आगे क्या, उसके बाद क्या मिल गया, उस जीत में कौन सा आनंद मिल गया सिवाय उसके बाद. मैं आई कैन एश्योर एवरीबडी, उसके बाद 2 घंटे तक आपका चेहरा नॉर्मल नहीं हो पाएगा. आर्ग्यूमेंट्स के बाद, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स के बाद, इट टेक्स एटलीस्ट 2 आवर्स चेहरे के तनाव को कम करने के लिए, चेहरे को नॉर्मल लाने के लिए, जो आपका स्माइलिंग फेस है उसको वापस लाने के लिए. मिला क्या? कहते ना सर, इसीलिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं लाइफ में. नंबर इज ह्यूमिलिटी, नम्रता, नम्र बनिए. वो आपका गहना होना चाहिए, आपके व्यक्तित्व का गहना होना चाहिए. जितने आप में विनम्र बनेंगे, इतने में कुछ नहीं जाता सर, कुछ नहीं जाता. अच्छे से बातचीत करने, विनम्रता से बात करेंगे तो 10 लोग आपसे बात करना में अच्छा महसूस करेंगे, और आप थोड़ी सी भी अकड़ के साथ बात करेंगे तो लोग आपको धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू कर देंगे. ये है सर, ह्यूमिलिटी इज ए गोल्डन ज्वेलरी फॉर योर पर्सनैलिटी. नंबर 2, मीठे बोल बोलिए सर, मीठा बोलिए, किसी को कटु शब्द मत कहिए. शब्दों में कुछ नहीं रखा, वो सामने वाले की आत्मा को सिर्फ खरोचेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और उनकी वाइब्रेशंस आपको तंग करेंगी, आपके व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ खरोचे दे जाएंगे. और जितना मीठा बोलेंगे, सामने वाले की वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, उसके पॉजिटिव ऑरा आपके जीवन की अच्छाई करेगा, अच्छे ढंग में आपको प्रभाव देगा. आप घर के पेट को नहीं, कभी जो डॉग्स वगैरह पालते हैं, कैट पालते हैं, आप देखिए अगर उसको सहलाते हैं तो उसकी कितनी अच्छी वाइब्रेशन आपको मिलती है, यू फील कंफर्टेबल. ऐसे आप कभी किसी के साथ डील करें सर, मीठे बात करें, अच्छे से बात करें,
गलत बात करनी नहीं है सर, ईगो ईगो रखनी नहीं। और तीसरी जो सर गहना है हमारे व्यक्तित्व का, वो है जस्ट फॉरगिव, माफ कर दीजिए। मन में गांठ बांध कर रखेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। बांधे रखिए गांठ, वो आपको ही तंग करेगी, आपके अंदर की आत्मा को हमेशा कचोटती रहेगी। यार इससे मुझे ये बदला लेना, इससे मुझे ये सेटल करना, इससे मुझे ये बात करनी, परेशान करती रहेगी। इसलिए ये तीन चीजें सर अपने व्यक्तित्व में ले लीजिए, ह्यूमिलिटी, स्पीकिंग स्वीट वर्ड्स, मीठा बोलना, और तीसरा फॉरगिवनेस, माफ करिए। ईगो समाप्त कर दीजिए, ईगो में कुछ नहीं रखा। ईगो आपके व्यक्तित्व को खराब करती है, आपके स्वास्थ्य को खराब करती है। बैक ऑफ माइंड में आप ईगो, मैंने पिछली बार एक्सप्लेन भी किया था, जो आप नहीं है वो होना चाहते हो, दिखाने के लिए पूरी मेहनत करते रहते, सारा जीवन इसी में खराब कर देते, जिंदगी जी नहीं पाते। समय हो गया है आज के, आप लोगों ने मुझे बड़े ध्यान से सुना सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों को फिर आगे बढ़ाएंगे अगले सेशन में। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंकित साहब, सभी लोग अनम्यूट हैं, कोई अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहते हैं कर सकते हैं, या कोई चीज पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। फिर बाद में दोस्तों हमारे आदरणीय आरण पांडे साहब धन्यवाद के देंगे। वैसे नहीं तो आपने एक बात बहुत सही करी कि जो गुण है, यानी कि पूजा करें ना करें, माला करें ना करें, तो आदरणीय बीकानेर से आए थे ना शर्मा जी, उन्होंने भी एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि अगर हम गुणों को विकसित कर लेते हैं तो गुणों को विकसित करने से वो माला भी अपने आप में कम्प्लीट रहती होगा, सब चीज कम्प्लीट रहती है। कोई जरूरी नहीं कि हम वो करें अपना किसी के गुण, क्योंकि भगवान जो है वो गुणों के समुच्चय है ना, वो चीज हम कर सकते हैं। चलिए सब ऋषि साहब कुछ पॉइंट बनाए, वो सब पूछने वाले हैं आपसे, कोई पॉइंट ऐसा मेरे साधारण सब जो नायब साहब बोलते हैं बिल्कुल जीवन है, वो सामने है, अपनी किताब हर एक के पास अपनी अपनी है, और यही है जो उन्होंने बताया, बिल्कुल सबके साथ कभी ना कभी ये स्वभाव आता है, स्वभाव आता है, उसको आदमी रास्ते ठीक रास्ते पे गलत रास्ते पे जाने की कोशिश करता है, फिर वापस आता है आनंद। अब तो मैंने एक बड़े अच्छा है, सुना भाई 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 कुछ का ये काम क्यों नहीं किया, अरे भैया उसका उनका वहां से टेलीफोन नहीं आया, किसका, भगवान से, भगवान से, पर तेरे पास नंबर नहीं है भगवान का, अरे हमारे पास तो है, हम तो अक्सर बात करते हैं, तो भैया भगवान का नंबर मांगो ना, तो भगवान का नंबर मांग लो, कनेक्शन कर लो अपने आप, जो वो काम हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा तो भैया उसकी अभी इजाजत नहीं मिली अभी, तो आनंद लेने के लेने के हरेक के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन बात वही है, सरल रहो, सहज रहो, सजग रहो, वो सब बातें हैं, बहुत सिंपल सिंपल, निर्मल रहो, यही संतुलन अपने आप बनता रहता है, और कुछ बोलने के लिए नहीं है, जीवन चल रहा बड़ा आनंदमय है, लेकिन वही वाली बात, जब तक सरल नहीं है, जब तक वो जैसे बोले भाई अहम नहीं है, वो ईगो नहीं है, ये सब चीजें तो खत्म करनी पड़ेंगी आप, इसके बिना तो आनंद ही नहीं है। कोई किसी का भाव बुरा माव भाव आए ही ना, ये नहीं कि मेरे आता नहीं, लेकिन वो एक सेकंड में भगा दो, ये एक बड़ा अभ्यास है जीवन का, तो अब जब बार बार सुनते हैं तो इस अब ये बार बात सबसे बड़ी बात है, सत्संगति का यही तो फायदा है, कई बार बात इसके बिना सुने तो हो सकता है हम यहाँ आ जाए वहां नहीं पहुंचते, तो रास्ता करेक्शन पाथ करेक्शन हुई है, 900 दिन कम नहीं होते, एक दिन की बात थोड़ा ही है, ये मजाक नहीं है कि 900 दिन आपने सत्संग सुना और आप पे कोई असर ना हुआ हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, जिसने श्रद्धा से सुना है, मैं ये नहीं कहता कि मैंने ही श्रद्धा से सुना है पहले सुना होगा, जिसने भी सुना उसको वो महा नहीं है जो 900 दिन पहले था, कुछ ना कुछ बहुत अंतर पड़ा होगा जीवन में, तो ठीक है वो जो अंतर से जीन्स है वो पुनर्जन्म से है, लेकिन वो जीन को सफाई करना, उसका आईना से धूल निकालना भी बहुत जरूरी है, वो सत्संग से उतरती है,
और किसी से नहीं उतर सकते बिल्कुल। और मतलब ये वो ये धूल सिर्फ सत्संग से सकती है। कोई बोलता गुरु बना दे, गुरु से अच्छा तो सत्संगति है कि कई गुरु मिल जाते हैं। अब कि एक गुरु थोड़े, हमारे पास तो कितने गुरु हैं बताइए। ये तो हमारा सौभाग्य है ना, इतने गुरु मिल गए हमको। तो जिससे एक शिक्षा मिल गई वही गुरु है जो रास्ते पे, ठीक रास्ते पे ला दे वही गुरु है। तो ऐसा चलिए, बहुत सही किया आपने जो है। अगर चलते रहिए बस। हाँ ये बहुत बड़े एक अद्भुत अनुभव है जीवन का, ये सत्संग इतना इतनी वो नहीं है, इट इज नॉट ए माइनर हैपनिंग इन लाइफ। अगर आप देखें तो एक आप कोई भी जो जो श्रद्धा से करता है, एक मन में उतावला पड़ रहता है, भाई 6 बजने वाले हैं, और परिवार को भी सबको पता है, रिश्तेदारों को भी पता है, दोस्तों को भी सब पता है, कोई है जो जो हमारे साथ संबंध, सबको पता है, भाई 6 से 7 मत कुछ कर, तंग मत करना है। किसी को नहीं पता हो तो भूल जाते, तो फिर फोन कर देते हैं, और फिर जब उठाते नहीं है तो ओहो बाद में पता, सॉरी 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 मैं भूल गई थी। तो ऐसे है, तो ये जीवन का बड़ा अच्छा प्रसंग है जो चल रहा है, ये प्रभु की कृपा है, अपने भी संस्कार है, अपने भी पुनर्जन्म के कर्म है। और सबसे बड़ी बात, एक और बड़ी बात है जो एक जो हमें मिल रहा है किसी का नहीं है, सब अपना किया कर रहा है, कोई मुझे कुछ नहीं दे रहा, ये सब मेरे अपने कर्मों का फल मिल रहा है मुझे, कोई सब सब मेरे अपना अपना जो बीज है वो ही मुझे मिल रहा है, चाहे पुनर्जन्म का कहो चाहे इस जन्म का करो, कोई मुझे कुछ नहीं दे रहा। और जब भी बीज है ये अगली बार काट लूंगा इसको, यही फल में। तो ये रखिए कि कोई आपको नहीं, आपका आपको सुख दुख शांति अशांति ये कोई दूसरा इसका जिम्मेवार नहीं है, हम सब होता है, तो इसको स्वीकार करो, उसको कुछ कर नहीं सकते। तो ये सब नायब साहब के बार बार बोलने से ये भाव बार बार आते हैं, तो बड़ा आनंद है, बहुत धन्यवाद ही कर सकते हैं। लेकिन ये अब तो एक परिवार बन गया ये तो तो आदमी परिवार में भी सीख जाता है, तो ये भी वाली बात है। आदरणीय आनंद पांडे साहब, क्योंकि अब तो मैं कहा जैसे आपने बहुत पहुँच कर, मेहंदी जब लगाएंगे तो रंग आ ही जाएगा ना। धन्यवाद आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी। मुझे जब आप कुछ बोलने के लिए कहते हैं तो पहले मैं अपने ऊपर ही विचार करता हूं, तो मुझे भी बड़ा लाभ होता है मनन करने से। तो आदरणीय श्री एन के नेब साहब ने सदा की भांति अच्छा हमको जगाया, इस बार सही मार्ग दिखाया। अरविंद शर्मा जी की जो यात्रा 903 की है, वास्तव में देवर्षि जी ने बिल्कुल कहा लंबी यात्रा है, उसमें 42वां वक्तव्य और विषय पर भी पहले बोले थे, लेकिन 42 वक्तव्य जो दिए, नरेश जी कहते थे संगीत सांस्कृतिक संध्या में तो ये आगे है ही, लेकिन अपने विषय को लेके ये हमेशा अपनी बात कहते हैं। आज जैसे इन्होंने जो बातें कही, मन का संतुलन बनाना, सकारात्मक विचार करना, सही मार्ग से उन्नति करना, मैं संस्कृत में बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन बात संस्कृत की, हिंदी की या किसी भाषा की नहीं है। बात यह है कि हम कितना उतारते हैं, मुख्य बात यह है। बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सामान्य देखना, जब ये बता रहे थे प्रतिकूल परिस्थिति की, तो आदरणीय अरविंद शर्मा जी का मुझे याद आता है, बार बार कहते हैं हरी इच्छा हरी कृपा, और वास्तव में उन्होंने उतार लिया। तो ये छोटी छोटी बातों से क्या होता है, जब हमारे जीवन में भी कोई ऐसी आती है तो हमें अरविंद शर्मा जी की याद आती है कि हरी हरी इच्छा हरी कृपा। तो जैसे आज नेहरू साहब ने कहा कि नहीं भाई, प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो ये आप समझिए कि ईश्वर ही कुछ कर रहा है, ऊपर वाले की मंशा इसी तरह की है। उससे क्या है, एक मानसिक असंतुलन असंतोष से हम बच जाते हैं। मैंपन कर्तृत्व की अभिमान को छोड़ने की बात कही, अपने दिनचर्या को ठीक करने की बात कही, और इस स्थिति में जिसमें हम लोग सेवानिवृत्ति में हैं, उसमें सही कहा कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, नो रिग्रेट्स। बाद में जो समराइज किया, विनम्रता मधुर वचन क्षमा अहम की समाप्ति, मैं ये सोच रहा था कि सुन लेना, नैब साहब तो चूंकि ऐसा व्यक्तित्व है कि उन्होंने काफी कुछ अपने ऊपर उतार रखा है, लेकिन मैं अपने बारे में जब सोच रहा था, आकलन कर रहा था, तो कह रहा था बहुत कठिन काम। अपने जीवन में मैं जो अपना आकलन करता हूं, तो मैं ये पाता हूं कि मैं कभी भी बहुत विनम्र नहीं रहा, और ये समझता रहा कि नहीं,
मेरे पास अगर कुर्सी है, मेरे पास अगर पावर है, तो मुझे एक अधिकारी की तरह से ही व्यवहार करना चाहिए। वचन वाणी भगवान ने मेरी वैसी बनाई है कर्कश, तो वचन में तो बहुत मधुरता का बहुत कम इसमें बात है। क्षमा करने का भी स्वभाव नहीं रहा। क्षमा करने का ये था, अगर मेरा किसी से ने कहा है तो टिट फॉर टैट, परशुराम की तरह से बिल्कुल, अगर किसी ने कुछ कहा तो उसका मुझे प्रतिशोध करना। तो अहम तो इन सब के बीच में मूल में है ही, लेकिन सब पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते, जीवन के घटना चक्र को सहते सहते, जो अपने बस में नहीं था, और आप लोगों के बीच में ये सबके साथ बैठकर बार बार, जब अब सेवानिवृत्ति के या 70 वर्ष की आयु के उपरांत इस मोड़ पर आए हैं, उसमें जरूर परिवर्तन किया। और उस परिवर्तन करने का लाभ है, परिवर्तन करने का लाभ यह है कि कोई भी मुझको क्षोभ नहीं होता। वो तब जितना भी मैं छोड़ता जाता हूं, जितना भी हल्का हो गया हूं, उतना ही मुझको लाभ। मुझे अरविंद शर्मा जी की बात, नरेश नैब जी की बात, या बागी शर्मा जी की बात, देवऋषि जी का वचन बार बार याद आते हैं। जैसा देवऋषि जी नादरणी ने कहा कि हम लोगों को बहुत समय हो गया, मुझे याद है, मैं बार बार इस बात को याद दिलाता हूं, करता हूं अपने ऊपर, कि जब शुरू हुआ था तो गीता के ऊपर बात हुई तो मैं अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए खूब बोलता था, संस्कृत में खूब बोला। नैब साहब ने कहा भी संस्कृत आप बोलते हैं ऊपर से निकल जाती है, लेकिन वो विभिन्न विषय चले, मुझे भी अच्छा लगने लगा, आप लोगों ने भी सुना। और धीरे धीरे जैसे आदरणीय चौधरी साहब विनम्रता से सब सुनते हैं, हमारे सीकरी साहब भी अब ज्वाइन कर लिए हैं, और भी कालरा साहब हैं, और लोग भी हमारी रंजना बहन जी भी आने लगी हैं। तो मुख्य बात यह है, सुनने का असर ये होता है, कभी ना कभी तो आकलन अपना करता ही है आज, और करना चाहिए। लाभ इसी बात का है कि जो पूजा की बात कही, तो पूजा का उद्देश्य भी तो यही है कि हम समर्पण का भाव रखें, हम दूसरों के प्रति परोपकार का भाव रखें, हम मानवता का भाव रखें। जितने भी पुस्तकों में गुण बताए गए हैं, अगर वो हम उतारते नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं। तो मैं अंत में श्री नैब साहब का आभार प्रकट करूंगा, आप सब लोगों के सत्संग से, साथ से इसी तरह से चलता रहे। अरविंद शर्मा जी का बहुत बड़ा ये दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचायक है, गुरुदेव की कृपा है। अरविंद श्री नैब साहब इसी तरह से अच्छी अच्छी बातें हमें बताते रहें, और हम अपना आकलन करते रहें, हम अपने में सुधार करें, क्योंकि हमको अपने इस जीवन को भी सुधारना है। और जब जाते समय हमारे पास एक ऐसा उद्देश्य, ऐसा एक चीज सामने हो कि हमें कोई रिग्रेट ना हो, और हमको इस चोला बदलने में, इस देह को त्यागने में कोई भी दिक्कत ना हो, जो नेचर एलिमिनेट करने की बात कही, उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए, और उसकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हमको करनी चाहिए। मैं अंत में सभी लोगों की शुभकामनाएं, सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य की कामना करता हूं, दीर्घायु प्रसन्नता की, और आदरणीय नैब साहब का बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट कर। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आनंद पंडित साहब, धन्यवाद आदरणीय अनके नैब साहब, आपने समय निकाल कर समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल कर समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और तीन वारों के साथ समाप्त करते हैं आज का विचार, फिर नैब साहब के ऊपर, नैब साहब ने जो पॉइंट दिए उसी पर एक विचार रखा गया है, थोड़ा सा छोटा सा लंबा है। हर किसी को अपने जीवन का संविधान बनाना चाहिए, हर किसी को अपने जीवन का संविधान बनाना चाहिए। जैसा नैब साहब के 42 एपिसोड हो गए हैं, तो 42 में 42 पॉइंट तो बना ही सकते हैं ना, जिसके निम्न अध्याय होने चाहिए। हमने तो 3-4 ही बनाए हैं, उनके 42 हैं, तो 42 में सिर्फ 4 हैं इसमें। पहला पॉइंट, जिस कार्य से स्वयं को कष्ट हो वह कार्य दूसरों के साथ ना करें। जिस कार्य से स्वयं को कष्ट हो वह कार्य दूसरे साथ ना करें। गुरुदेव का थॉट है कि दूसरे साथ व्यवहार ना करें जो अपने लिए पसंद नहीं हो। दूसरा पॉइंट, कथनी करनी में अंतर ना करें, कथनी करनी में अंतर ना करें, अर्थात आपके खरीदने के बाट और बेचने के बाट अलग ना हो। जिन बाटों से आप खरीद रहे हो उसे से बेचो, पता लगे खरीदने के बाट अलग है बेचने का अलग है, वो अलग नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, अवांछित सुख की चाहत ना रखें, अवांछित सुख की चाहत ना करें। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिजर्व देन डिजायर, बट वी डोंट डिजर्व इट, वी डिजायर। तो सबके लिए पहले डिजर्व करें ना, फिर डिजायर करें। और नंबर लास्ट पॉइंट है नंबर 4, शक्ति का उपयोग लोगों के हित के लिए करें, शक्ति का उपयोग लोगों के हित के लिए करें, ना कि पीड़ा पहुंचाने के लिए। क्योंकि ये कहते हैं कि समय, प्रभाव और प्रतिभा, समय, प्रभाव और प्रतिभा, ये व्यक्ति का नहीं होता, ये परमात्मा का होता है।
अगर आज हमारा समय अच्छा है तो परमात्मा की कृपा से है, प्रतिभा है तो परमात्मा की कृपा से है, और प्रभाव है तो परमात्मा की कृपा से है। अगर हमें कमिश्नर बनाया गया, एडवोकेट बनाया गया है, कोई भी बनाया गया, किसी कंपनी का सीईओ बनाया गया है, कुछ भी है, तो परमात्मा की कृपा से है, क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या है, हम लोग को विशेष तो बनाया गया ना। इवन देन अगर हम लोग इनकम टैक्स एसएससी भी हैं तब भी तो बहुत बड़ी कृपा है ना भाई, 140 करोड़ में 7 करोड़ तब भी देखिए ना कितनी बड़ी कृपा है हमारे पर। तो मैं सोच के ही तो फर्क है ना, वो कहते ना मनस्थिति बदले परिस्थिति बदले, बस कुछ नहीं करना, हल्का तो गुरुदेव ने कहा उलट पलट जो है उसमें संतोष है। तो इन छोटी छोटी बातों पर अमल करें, व्यक्ति अपने वे दूसरों के जीवन को सुखी बना सकता है। तो आज हमने 42 पॉइंट में 4 पॉइंट दिए, बाकी का आइए। शांति शांतिरेव शांति।